वो गेट में क्या था? रेपो बनाता है। हाँ, और इसका उल्टा क्या था? अनेक वेव होता था। ठीक, तो एक वेव मतलब हो जाएगा इक्वल, सेशन नंबर हमारा 20 है ये। कितना था? 21। अच्छा, हाँ, ये 21 है। पेपर में काफी अवार्ड आने लगा है। हाँ, मिलेगा। तो इससे अवार्ड बनेगा इक्विटी। ठीक है, तो इक्विटी का आप लोगों को मीनिंग पता होगा। yes, तो एक तो इक्विटी का हम लोगों का शेयर्स याद है। शेयर्स, तो इसको समझने के लिए कि इक्विटी शेयर से कैसे रिलेटेड है, कि जितना सारा पूंजी रहता है उस पूंजी को हम लोग इक्वल भाग में बांट लेते हैं कैपिटल को। तो जो निकल के सामने आया इक्विटी, जैसे 10 रुपीज का इक्विटी, 100 शेयर्स, तो उसका जो पार वैल्यू रहता है, जिसको बोलते हैं कितना फेस वैल्यू, तो फेस वैल्यू है उसका 10 रुपीज या 100 रुपीज, तो वो इक्विटी इक्वल होता है। इसलिए अब ऐसा नहीं होगा कि एक शेयर का दाम कुछ होगा, दूसरा शेयर का दूसरा होगा, तो इक्वल होता है, तो वही हमारा इक्विटी। वैसे इक्विटी का मतलब फेयरनेस भी होता है। फेयरनेस तो फेयरनेस का मतलब यहाँ एक सेंटेंस बना है, आई वाज ट्रीटेड With equity. I was treated with equity. मतलब कि मेरे साथ जस्टिस का व्यवहार हुआ। ठीक है, न्यायपूर्ण व्यवहार हुआ। अगर इसको हम चेंज करें सेंटेंस में, कहें आई वाज गिवन इक्विटेबल ट्रीटमेंट। उसी को चेंज किए हैं, सेंटेंस अलग होगा, उसका फॉर्म अलग हो जाएगा। आई वाज गिवन इक्विटेबल ट्रीटमेंट मतलब कि हमको, मेरे साथ न्यायपूर्ण व्यवहार किया गया। हाँ, आई वाज ट्रीटेड फेयरली। तो फेयरनेस, यहाँ गोरापन नहीं है फेयरनेस का मतलब। यहाँ पर फेयर का मतलब है ठीक नहीं है। ठीक है, तो अगला सेंटेंस, आई एम एग्रीड बाय इनिक्विटी ऑफ बिहेवियर। आई एम एग्रीड बाय द इनिक्विटी ऑफ बिहेवियर विथ मी। तो एग्रीड का मीनिंग आप लोगों को पता है। हाँ, मतलब हम दुखी हैं, दुखी है इस बात से, दुखी है जो मेरे साथ अन्याय हुआ। ठीक है, हाँ, असमानता का जो व्यवहार हुआ उसके लिए दुखी है। अब एक मधेसी जिसे एक बना दे रहे हैं, तो मधेसी का मुझे याद होगा। हाँ, मधेसी जनजाति नहीं है, जाति है एक, मधेसी कुछ ग्रुप है लोगों का, मधेसी। मधेसी, हाँ, प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द इनइक्विटेबल ट्रीटमेंट गिवन टू
ठीक है, तो ये जो उनके साथ अन्याय का व्यवहार हो रहा है, ठीक है, इनइक्विटेबल बिहेवियर, उससे वो उसके खिलाफ विद्रोह कर रहे हैं। इक्विटेबल का मतलब नेपोर्ट और इनइक्विटेबल नेपोर्ट अनएपोर्ट हो जाएगा। तो अगर यहाँ पर सेंट एक वर्ड दे रहे हैं, अगर सेंट एक बिल्कुल थोड़ा सा इनइक्विटी इनइक्विटी, तो इसका इक्वलिटी से कोई संबंध नहीं है, एक दूसरा ही वर्ड है ये। इसका इनइक्विटी अगर होगा तो वेरी सिंपल, ठीक है, बहुत ही जो खराब पाप जैसा कुछ काम होगा तो उसको बोलेंगे ये इनइक्विटी, और जो पर्सन वैसा करेंगे वो उनका इनइक्विटेबलनेस होगा, ठीक है। तो वो यहाँ पर अगर सिंपल का बात करेंगे कि बहुत ही खराब बिहेवियर है तो हम लोग यूज करेंगे इनइक्विटी का, वहाँ आई हो जाएगा, ई नहीं रहेगा, आई हो जाएगा। इससे हम लोग ऐसे वर्ड बनेगा वो हम लोग सुने हैं अच्छी तरह से, इक्विनॉक्स। कल ही तो शायद बात कर रहे हैं, दोनों बराबर रहेगा, दिन और रात दोनों बराबर। हाँ, इक्विनॉक्स कितना कितना तारीख को, वो सितंबर और इक्कीस मार्च और सब इक्कीस इक्कीस का ठीक है, इक्कीस सितंबर भी हो भी सकता है। तो ये जो नॉक्स जो होगा, नॉक्स नॉक्स का मतलब होता है नाइट, यहाँ पर हम एक नया ग्रुप वर्ड मिला नाइट, नॉक्स का मतलब नाइट। तो इक्विनॉक्स का अगर वैसे रूट में जाएंगे तो जब रात बराबर हो, रात बराबर हो, तो यहाँ लेकिन मीनिंग निकलता है जब दिन और रात बराबर हो, तो ये हो जाएगा इक्विनॉक्स। इक्विनॉक्स तब होगा जब इक्वेटर, कल बात कर रहे थे, इक्वेटर सन के बिल्कुल सीधा होगा, ठीक है ना, आप लोग नहीं आते तो मिस किए हैं। पेरिहेलियन में, हाँ पेरिहेलियन में, पेरिहेलियन में मतलब सामने, एपिहेलियन पेरिहेलियन से कोई संबंध ही नहीं है, इसको आप कल भी कंफ्यूज किए थे। पेरिहेलियन एपिहेलियन से कोई रिलेशनशिप नहीं, पेरिहेलियन मतलब धरती जब नजदीक आ जाएगी, सूरज का सबसे नजदीक पेरिहेलियन, और जब दूर चल जाएगी एपिहेलियन, ये अलग मुद्दा है और ये एक अलग मुद्दा है। अच्छा, अब हमको बताना ही पड़ेगा, थोड़ा सा बोल दे रहे हैं, ये हमारा ऐसा इंक्लाइंड है हमारा, हाँ झुका हुआ है, तो इसका ये है हमारा इक्वेटर, इक्वेटर अगर हम यहां पर ऐसे एक लाइन खींचे और ये बनाए ऐसा, ठीक, तो ये है ट्रॉपिकॉन, कैप्रिकॉन, कैप्रिकॉन, कैप्रिकॉन है। तो यहां पर अभी सन है, तो सन अपना लाइन यहां दे रहा है, तो साउदर्न हेमिस्फीयर में अभी ऑस्ट्रेलिया में अभी गर्मी का मौसम है, साउथ अमेरिका का जो एरिया है वहाँ गर्मी का मौसम है, समकालीन 80 तक का पड़ रहा है, और हमारे यहाँ पर हम लोग इधर में हैं, हमारे यहाँ पर 23.5 साउथ, अभी सर्दी का मौसम है, ठीक। जब ये ऐसे घूम करके ये यहाँ चला आएगा तो यही हाल हमारा हो जाएगा। अब हम लोग जो है हमारा सबके सामने पड़ गए और ये लोग ठंडा में चला गया, ठीक। ये है हमारा, ये जो दिन है ये है 21 दिसंबर का पड़ेगा, ठीक है, साउदर अभी आ रहा है, तो यहाँ लोग एकदम डीप ठंडा में चल जाएंगे और एकदम पूरा गर्मी चल जाएंगे ऑस्ट्रेलिया में, ठीक। फिर क्या होगा, ये जो दिन है 21 जून, तो 21 जून को हम लोग गर्मी मनाएंगे सबसे ज़्यादा गर्मी, और ये लोग ठंडा में चलाएंगे, ये ठंडा में आ जाएगा, ठीक है। लेकिन जब ये इधर आ जाएगा यहाँ पे, तो इक्वेटर उसके सामने पड़ जाएगा,
सूरज का सामने, ठीक सामने, इक्वेटर, मतलब ये वाला लाइन जो होगा ये वाला लाइन बीच में आ जाएगा, आएगा अगर इसको उठा के लाएंगे तो ये हो जाएगा हमारे इक्विनॉक्स, झुका होगा तो कुछ सीधा पड़ता है और उधर जब चल जाएगा वो भी तो फिर जाएगा तो एक दिन ऑक्स में दिन और रात बराबर होगा समझी नहीं समझ में आया ऐसे टेढ़ा है ना ऐसे टेढ़ा तो टेढ़ा है तो यहाँ पर तो ये एल पार्ट इधर आ गया लेकिन अगर आप यहाँ पे लाएंगे तो कौन सा पार्ट सामने है कोई पार्ट सामने नहीं है नहीं है ना बीच वाला पार्ट बीच वाला सब बराबर है तो वो एक दिन ऑक्स परिवर्तन क्यों होता है तो उसमें क्या पूछेगा कि ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ ड्यू टू रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ अब कुछ बोथ एंड नन ऑफ दिस तो क्या होगा रोटेशन या रेवोल्यूशन नन ऑफ दिस नहीं रेवोल्यूशन होगा रेवोल्यूशन के साथ तो टिल्टेड है तभी तो मौसम है नहीं तो टिल्टेड तो अज्यूम्ड है ओ अच्छा हवा तो है हां तो रेवोल्यूशन होगा ठीक है रेवोल्यूशन केवल रोटेशन से कुछ नहीं होगा अपने आसमान में रोटेशन से कुछ नहीं होगा ठीक है तो ये जो हो जाएगा हमारा रेवोल्यूशन होगा मौसम का परिवर्तन और अगर ये पूछा जाए कि दिन और रात क्यों होता है तब रोटेशन हां और अगर ये पूछे कि दिन और रात का जो ये है दिन और रात का टाइम क्यों घटता बढ़ता है तो ड्यू टू टिल्टिंग टिल्टिंग के कारण ठीक तो ये सब तो बहुत मतलब कॉमन कॉन्सेप्ट है नहीं तो इसको जब मौका लगेगा तो ये जो पार्ट है ना जैसे जीएमटी आप पूछ रहे थे हां जीएमटी पूछिए मुझे मेरा काम है वो हाई प्रेशर लो प्रेशर वाला लगता है हम लेके आएंगे तो दिखाएंगे अच्छा दिखाइएगा हम जीएमटी वाला एक दिन और भी कवर किए थे वहां के क्लास में यहां भी कवर करते हैं GMT का क्या है अच्छा ये हो गया हमारे इक्विनॉक्स तो अब नॉक्स से हमारा नॉक्स नॉक्स आ गया तो नाइट से आप लोग एक वर्ड बहुत अच्छे से जानते हैं नक्चरनल जिसको रात में वो जो नक्चरनल आउट निशाचर निशाचर तो फिर क्वेश्चन नंबर से बनना शुरू होगा कौन सा ग्लैंड हमारा बायोलॉजिकल क्लॉक है कौन सा ब्लैंड को बोलते हैं बायोलॉजिकल क्लॉक हमारा जैविक घड़ी पीनियल ग्लैंड ठीक लेकिन अभी तो अगला क्वेश्चन बाकी है ये कौन सा हार्मोन का सिक्रेट करता है कौन सा हार्मोन का सेक्रेशन करता है मेलाटोनिन से हम लोगों को नींद आती है हम लोग अच्छा ये किस सीजन में डिप्रेशन होता है इस सीजन से किस सीजन में ठंडा में डिप्रेशन हो जाएगा लोग सुस्त पड़ जाएंगे तो क्या हर जीव में हाँ और कुछ को सुस्त कर देगा जैसे हम लोगों को और इसे डिप्रेशन होता है और जो ओवर डिप्रेशन हम लोग बात किए थे वो डिप्रेशन होता है सैड 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 बोलते हैं आप थोड़ा सा बाहर आ रहे हैं इसको बोलते हैं सीजनल अफेक्टिव आपको तो साइकोलॉजी का पार्टी है अफेक्टिव डिसऑर्डर सैड का मतलब होता है सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर और यहाँ पर जो अफेक्ट वर्ड यूज किए हैं इसका मतलब है मूड मूड अफेक्ट का मतलब मूड भी होता है अफेक्ट अफेक्ट का मतलब इफेक्ट पड़ना भी होता है और साथ में मूड भी होता है तो ये मूड डिसऑर्डर है मूड डिसऑर्डर का मतलब कि कुछ काम करने का मन नहीं कर रहा मूड डिसऑर्डर जैसे सन नहीं होता क्या बारिश के मौसम हाँ आपको बारिश का मौसम होता है तो नक्चर एक इसे वर्ड आएगा नक्चर नक्चर तो इससे इतना तो आपको पता कर ही लिए होंगे कि इसका नक्चर एंड यू से होगा नक्चर ये इसका मतलब किस चीज से संबंधित होता है रात से रात से तो रात का सीन का अगर
पेंटिंग होगा तो उसको बोलेंगे नक्चर, इट इज अ नक्चर, रात का सीन का पेंटिंग, नक्चर नक्चर, रात का सीन का पेंटिंग। इससे एक और वर्ड बना रहे हैं इक्विनॉक्सियल, इक्विनॉक्स का एडजेक्टिव हो गया इक्विनॉक्सियल। अगर कोई मान लीजिए कोई तूफान वो आता है 21 मार्च के आसपास ही आता है, जब भी आता है तो हम बोलेंगे ये इक्विनॉक्सियल है। या कोई हम लोग फेस्टिवल ऑर्गेनाइज करेंगे इक्विनॉक्स के आसपास तो उसको बोलेंगे इक्विनॉक्सियल फेस्टिवल, ठीक है। इक्विनॉक्स के आसपास जो भी कहा घटना होगा उसका हम लोग बोले इक्विनॉक्सियल। अच्छा एनी वर्ड जो एनिमिटी, एनिमिटी का मतलब होता है माइंड, अगला हमारा की वर्ड है एनिमिटी, इट इज रिलेटेड टू माइंड, माइंड एनिमिटी नया वर्ड, तो इक्वल के साथ इसको जोड़ेंगे इक्वानिमिटी। इसको समझ लेते हैं हम लोग इक्वानिमिटी, मतलब माइंड जो होगा वो हमेशा इक्वल अगर रहे किसी का तो उसको बोलेंगे उसका ये इक्वानिमिटी है। इक्वानिमिटी मतलब बैलेंस्ड टेंपर। लोग जब फ्रेंजी में है, फ्रेंजी का मतलब लोग बड़े जोश में है या फिर पागलपन छाया हुआ है, उसमें कुछ लोग अपने आप को मेंटेन करते हैं, शांत रहते हैं उस माहौल में, तो इनको बोलेंगे ये जो है ये उनका ये इक्वानिमिटी है। हाँ योगी, तो गीता में इसको बोलते हैं स्थिति प्रज्ञ, ऐसा बोलते हैं जो बिल्कुल अपना वो सिचुएशन के हिसाब से उसका माइंड जो होता है बहुत बैलेंस्ड माइंड, अगर लोग बोलेंगे तो उनका वो इक्वानिमिटी है। हाँ किसी का भी नाम ले लीजिए, हाँ तो अगर है तो बोल ही लीजिए, तो ऐसे वर्ड बन जाएगा इक्वानिमस, तो वो ये हो जाएगा एडजेक्टिव हो जाएगा इसका इक्वानिमस। तो इस रिलेटेड वर्ड इक्वेबिलिटी भी होता है, इक्वेबिलिटी ये दोनों जो होंगे ये हो जाएगा इसी बंदे बस हो जाएंगे इक्वेबिलिटी और इक्वेबिलिटी। इक्वेबिलिटी भी अगर होगा इफ अ पर्सन हैज इक्वेबिलिटी ही और सी डजंट लूज हिज टेंपर हिज बैलेंस। इनइक्वेबिलिटी होगा फिर। तो नेक्स्ट है हमारा इसे इक्यू पकड़े थे तो इक्यू से हो जाएगा इक्विलिब्रियम, ये तो क्लियर है इसके कुछ बताने के बाद इक्विलिब्रियम, ठीक है इक्विलिब्रियम। तो इसमें लिब्रा जो है लिब्रा, इसमें वर्ड है लिब्रा, लिब्रा का मतलब बैलेंस, लिब्रा लिब्रा का मतलब बैलेंस, इक्विलिब्रियम लिब्रा पर बैलेंस। लिब्रा आपको पता होगा लिब्रा क्या है, राशि है, तुला राशि, तुला राशि, तो ये तुला है हाँ, इक्विलिब्रियम, तो इक्विलिब्रियम का मतलब तुला जो है इधर ना होता है तो उसको बोले इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो जो लोग बहुत अच्छा इक्विलिब्रियम बना के रखते हैं वो रस्सी पर चलेंगे तो वो तो बोलते हैं इक्विलिब्रिस्ट, इक्विलिब्रिस्ट, ये लोग रस्सी पर चलेंगे इक्विलिब्रिस्ट, रस्सी पर चलने वालों को हम लोग बोलते हैं इक्विलिब्रिस्ट। नहीं ऐसा बोल नहीं पाएंगे, ये इक्विलिब्रिस्ट जो देखते हैं ना इक्विलिब्रिस्ट। फिर इससे रिलेटेड वर्ड आ जाएगा इक्वेटर, इक्वेटर, तो इक्वेटर जो होगा वो अभी भी काटा था इक्वल पार्ट में नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और साउदर्न हेमिस्फीयर।
तो ऐसे हो जाएगा, ये सब बहुत सारा वर्ड आ जाएगा, इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट, इक्विलैटरल, इक्विलैटरल, लैटरल मतलब लैटरल मतलब साइड, साइड, इक्विलैटरल ट्रायंगल, इक्विडिस्टेंट, इक्विडिस्टेंट, पता है ना इक्विडिस्टेंट? हाँ, मतलब ऐसे बोल सकते हैं कि जमशेदपुर इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम आचार्य पाटिल टेक्नोलॉजी का, जैसे इस सर्किल पे कोई पॉइंट जो रहता है वो हाँ सेंटर सेंटर का इक्विडिस्टेंस रहेगा। ठीक है, तो हम लोग इक्वल का कंप्लीट कर किए कंप्लीट। इसमें हम लोगों को एक और भी जो कंफ्यूजिंग होगा वो हो जाएगा इक्वस। इक्वस मतलब होता है घोड़ा, इक्वस, इक्वस मतलब घोड़ा। ऐसे अभी इक्वस ऐसे यूज नहीं होगा, इक्वस, इक्वस मतलब घोड़ा। तो आप लोगों को पता होगा पेडेस्ट्रियन मतलब क्या होता है, पेडेस्ट्रियन मतलब पैर से चलता है, तो जो घोड़ा पर बैठ के चलेगा इक्वेस्ट्रियन होगा, घोड़ा पर बैठ के चलने वालों को इक्वेस्ट्रियन, और अगर लेडी बैठ के चलेगी तो इक्वेस्ट्रियन, इक्वेस्ट्रियन। अलग अलग थोड़ा स्पेलिंग है, और कोई भी चीज अगर घोड़ा से रिलेटेड होगा तो उसको बोलेंगे इक्वाइन, घोड़ा से रिलेटेड इक्वाइन। जैसे हड़प्पा वाला में चैप्टर में एक आता है, उसमें बोलते हैं इक्वाइन टिथ मिला हुआ है, इक्वाइन टिथ, तो इक्वाइन टिथ का मतलब घोड़ा का भी हो सकता है, घोड़ा से रिलेटेड मतलब घोड़ा या गधा या ऐसा किसी का, तो बोलेंगे इक्वाइन है, रिलेटेड टू हॉर्स इक्वाइन। ठीक है, ये रिलेटेड टू। फिर एक हमारे पास की वर्ड है वो है फेरो, फेरो का मतलब तो कैरी, यहां पर अच्छा वर्ड आएगा फेरो, फेरो का मतलब हो जाएगा फेरो, फेरो का मतलब हो जाएगा टू कैरी, टू कैरी। और वोसी का मतलब पहले आया था क्या, वोसी फेरो, और वोसी का मतलब आया था क्या, वोसी आया हुआ पड़ता है, वोसी वॉइस, वॉइस साउंड, आवाज। तो एक वर्ड आता है वोसी फेरस, वोसी फेरस, तो वोसी फेरस में जैसे यहाँ पर हमारे से लिख रहे हैं वोसी फेरस डिमांड, तो इसका मीनिंग निकालने की कोशिश करते हैं। वोसी मतलब आवाज, कैरी तो कैरी, इट कैरी साउंड वैसे हुआ ना, तो उस डिमांड में आवाज था, आवाज था, मतलब कि ताकत के साथ अगर हम कुछ बोलेंगे तो उसको बोलेंगे वोसीफेरस, वोसीफेरस, वोसीफेरस हो जाएगा, वोसीफेरस अगर डिमांड होगा तो इसका हल्ला गुल्ला कर रहे हैं उसके लिए, जैसे कि वॉर पे, वॉर पे के लिए वोसीफेरस डिमांड होगा, बच्चे लोगों का प्ले भी कई बार वोसीफेरस हो जाता है, बहुत हल्ला गुल्ला करते हैं प्ले में, तो वोसीफेरस हो जाएगा। तो इट कैरी जो साउंड ये भी नहीं निकल रहा है वोसीफेरस, तो ए वॉइस, वोसी मतलब हो गया वॉइस, वॉइस। फिर इसी से एक वर्ड निकलेगा वोकल, आप लोग इसका मीनिंग वैसे तो जान ही रहे हैं, वोकल, वोकल मतलब आवाज हुआ, आवाज हुआ। लेकिन कई लोग क्या होते हैं बड़े, अब आप पर्सन में आ रहे हैं, कई लोग बड़े वोकल होते हैं, सम पीपल आर वेरी वोकल, मतलब वोकल मतलब क्या, बोलने वाला नहीं, मतलब कि वो उसको अगर बुरा लगेगा तो बोल देगा, वो वोकल होते हैं, मतलब अपना एक फीलिंग को जो एक्सप्रेस आसानी से कर देते हैं उनको बोलते हैं वोकल है। तो वोकल लोगों से लोग जनरली गलत ट्रीटमेंट नहीं करेंगे, हाँ, क्योंकि पता है वो बोल देगा, तो वो वोकल है, एक पर्सन का कैरेक्टरिस्टिक हो सकता है। तो कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, वोकलाइज करते हैं, तो वोकलाइज, तो वोकलाइज व्हाट, जैसे वोकलाइज, तो ऐसे अगर बोले कि आई वोकलाइज माई एंगर, मतलब गुस्सा आया था तो पूरा बोल दिए, तो इसको वोकलाइज बोलेंगे, वोकलाइज माई एंगर। और अगर कोई वोकलिस्ट है, वोकलिस्ट, तो वोकलिस्ट होगा वो गाना गाएगा, ठीक है, गाना गाने वाला वोकलिस्ट बोलते हैं, गाना गाने वाला, इंस्ट्रूमेंटलिस्ट नहीं होगा, वोकलिस्ट है, गाना गाता है, हाँ सिंगर, तो काम करे कुछ आगे।
इधर से शुरू करते हैं इस बार। लोग करीब करीब वैसे ही बैठे हुए करीब करीब, तो आकाश से बात करते हैं। मान लेते थोड़े के लिए कि झारखंड के लोगों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं हो रहा है, तो हम लोग जो डिमांड करेंगे सरकार से वो कैसा ट्रीटमेंट के लिए उससे बात मतलब डिमांड करेंगे कि झारखंड को ऐसे ट्रीट करो कैसे, उसी में कुछ कहीं पर लिखा हुआ है द पीपल ऑफ झारखंड आर डिमांडिंग। नहीं इक्विटी, इक्विटी होगा लेकिन अगर ट्रीटमेंट वर्ड अगर यूज करेंगे तो इक्विटेबल ट्रीटमेंट, इक्विटेबल ट्रीटमेंट ठीक है। तो एक ठीक सोनोवर पिछले बार भी पहले ही आ गई थी, इस बार भी आ गई है। सोनोवर अगर याद है इसमें से तो आप ये बता सकते हैं, अभी हम अफेक्टिव लिखते हैं अफेक्टिव, तो अफेक्टिव का मीनिंग क्या है? अफेक्टिव रिलेटेड टू यहाँ पे भूल गई नेचुरल, ये अफेक्टिव सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर है। अफेक्टिव याद नहीं है किसी को? याद है उधर और वहाँ तक पहले जा रहे हैं मुकेश। अच्छा हाँ मूड रिलेटेड टू मूड, सीजन के साथ मूड बदल जाता है, सीजन के साथ मूड बदल जाएगा तो ये सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर हो गया ना ठीक। तब फिर आप ही लोग को मौका दे रहे हैं, सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर जो होगा वो जब सुना किस सीजन में होगा? हाँ ठंडा में होगा, ठंडा में होगा। आप बताइए क्यों होगा ठंडा में मुकेश? अच्छा कुछ हार्मोन का ही नाम ले लीजिए बोलिए कौन सा कौन सा कौन सा ज्यादा निकलेगा? ज्यादा इसे नहीं, ठंडा का मौसम में हाँ तो रात लंबा होगा, हाँ रात लंबा होगा, रात लंबा होगा तो ज्यादा निकलेगा। अच्छा अब ये भी बता ही दीजिए जब इतना बात कर रही है तो, कि ये जो डिजीज होगा ये सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर कि ये इंडिया में ज्यादा होगा या फिर नॉर्वे स्वीडन वहां ज्यादा होगा? क्यों? क्योंकि वहां पर 6-6 महीना तो रात ही हो जाता है, हाँ उनको ज्यादा होगा क्योंकि ठंडा ज्यादा होगा, रात उन लोगों का लंबा लंबा मिलेगा ठीक है। तो बहुत लोग पार्टिसिपेट कर लिए इसमें। तो ह्यूमन बीइंग में किन लोगों को बोल सकते, चलिए सबसे ही पूछ रहे हैं, ह्यूमन बीइंग में किन लोगों को बोल सकते हैं कि ये नक्चर्नल है? ये लोग कैसे लोग होंगे जिनको ह्यूमन बीइंग में भी बोल पाएंगे कि नक्चर्नल लोग हैं? हाँ नहीं सिर्फ से सिर्फ का कंपल्सन है, जो चोर लोग होंगे वो नक्चर्नल है, वो है ना रात में निकलते चोरी करने के लिए, तो वॉचमैन। और अगर ऐसे पॉजिटिव सेंस में अगर यूज करे, नेगेटिविटी को हटा दे, तो जो भी लोग रात को हाँ एक्टिव होते हैं अब चलते पढ़ाई करने के लिए, स्टूडेंट नहीं, सब स्टूडेंट नहीं, वो स्टूडेंट जो रात को 11 बजे 12 बजे के बाद शुरू होता है और दिन में वो 12 बजे तक सोए रहता है, तो होते हैं कुछ लोग का ये है ही है बेटी को ज़्यादा देर तक सोएंगे मतलब दिन में उनको एनर्जी नहीं मिलता और रात में एनर्जी मिलता है, तो उन लोगों को भी बोल सकते हैं उनका वो नक्चर्नल है। एक ऐसे होते हैं लोग नहीं, कुछ लोगों का ना उसका इसका जो रिलेशनशिप है थोड़ा सा डिफरेंट बात कर रहे हैं। हमारा एक बायो क्लास में कई बार बताया है कि हमारा बॉडी में एक सिरकाडियन रिदम होता है, सिरकाडियन वो हम लोग का बॉडी सबका बॉडी अलग अलग टाइम में उसका टेम्परेचर बढ़ता है, हमारे बॉडी का टेम्परेचर नापेंगे ना पूरे दिन भर, तो किसी टाइम हमारा टेम्परेचर बढ़ जाएगा ठीक, हमारा ब्लड प्रेशर थोड़ा हाई हो जाएगा, हमारा सांस लेने का गति तेज हो जाएगा, ये जो टाइम हमारा एक्टिव हमारा बॉडी अपने आप हो जाता है वो रिदम में हम लोग हमारा रिदम में चलता है, हर दिन उस टाइम हमारा बॉडी वैसे रिएक्ट करता है। तो किसी किसी का बॉडी सुबह सुबह इस पोजीशन में रहता है और किसी किसी का रात को रहता है, तो वो उसी तरह से रिएक्ट करेगा, उसका हर दिन को ही हाल रहेगा, वो बचपन से ही दिखने लगेगा वो सब चीज़, आपको बच्चा ही दिखा देगा कि हम रात वाला बच्चा है, तो रात को बहुत परेशान करता है वो लोग, कूदफंद जैसे रात होते रहे कूदफंद मचाना शुरू कर देगा, हाँ ऐसा बच्चा होता है, तो वो बच्चा जो है वो नक्चर्नल टाइप का है वो। वो तो देखिए हम लोग
अभी तो नया नया साइंस डेवलप हो रहा है, नया नया बात पता चल रहा है। पहले के लोग एक थंब रूल में काम करते थे कि ऐसा बना हुआ है दुनिया। हम लोग का बॉडी बायोलॉजिकली हम लोग तो दिन वाले एनिमल हैं, क्योंकि हमारा आँख कलर विजन करता है, कलर विजन दिन में अच्छा होता है। और हम लोग नक्चरनल बायोलॉजिकली नहीं है, हम लोग रात में हम देख नहीं पाएंगे, वो सब जानवर हम पर अटैक कर देगा। लेकिन फिर भी कुछ लोग होते हैं जिनका बॉडी रात में ज़्यादा एक्टिव होता है, कुछ लोगों का। हाँ, वो लोग नक्चरनल, मतलब उनका जो ट्रेंड है सर्कैडियन रिदम ऐसा है कि लोग रात को ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं। ये ह्यूमन बींग में अगर दो चार लोग या सौ में अगर चार पांच लोग भी ऐसे रहे होंगे तो ह्यूमन बींग को फायदा हुआ होगा। अब इवोल्यूशन में चले जाते हैं कि वो लोग रात को देख पाते, मतलब लोगों नहीं सोए हैं। हाँ, मतलब कुछ मतलब वो क्या करेंगे उससे कि अगर ऐसे लोग पुराने मतलब जंगल में लोग रहते थे और कुछ लोग भी ऐसे होंगे तो उनको रात को नींद नहीं आता होगा, तो लोगों को अलर्ट करते होंगे ना रात को किसी घटना को लेकर के। तो ह्यूमन बींग में जो अलग अलग टाइप के हैं उससे बहुत फायदा मिला ह्यूमन बींग को, तरह तरह के लोग हैं। ठीक है तो बाकी तो हम लोग उधर देख ही लिए इक्विटी है सब, और हम लोग आपसे बात भी कर लिए। फेरो का मतलब क्या था? अच्छा, कोई टू कैरी। अब यहाँ पे आगे वर्ड आएगा, कुछ जानवर को बोलते फेरोसियस। नहीं, फेरोसियस का मतलब होता है वो जो हाँ बहुत खतरनाक जानवर होता है उसको फेरोसियस बोलते हैं। टाइगर्स लायंस को वो उसको क्या बोलते हैं जो कंगारू वगैरह है? अभी हाल में बात किया था, मार्सुपियल्स। अभी हाल में बात आया था, मार्सुपियल्स नाम आया हुआ था। तो इसमें देख ले और भी वर्ड जो गेस करने लायक है। इक्वेटर इक्विलिब्रिस्ट, हाँ यहाँ पर थोड़ा बात कर ले। यहाँ पर हमारा है लिब्रा। अच्छा यार, ये बताइए पॉन्ड का सिंबल क्या होता है? पॉन्ड का सिंबल नहीं पता, वाई को काट देते हैं। क्या लिखे एलबी सिंबल? क्या एलबी सिंबल? पॉन्ड। हाँ, अभी तो नहीं पता था, पॉन्ड बोलते हैं इसको। जो भी चीज मिलेगा अगर पाउंड बच्चा का वजन जो होता है, बच्चा डॉक्टर पाउंड का बच्चा। हाँ, तो ये जो बच्चा है ये एलबीएस, तो एलबीएस क्या है उसको तौले हम, ताले तो क्या हो गया वो कौन सा राशि का आप आता गया? लिब्रा। वो लिब्रा ही है, इतना लिब्रा, 400 लिब्रा पॉन्ड्स। मतलब पॉन्ड एलबी क्यों लिखा जाता है एलबीएस, ये यहाँ क्लियर हो गया, तो लिब्रा से आया हुआ। ठीक है, यहाँ खत्म करते हैं।